हेलो फ्रेंड्स, तो वीडियो हमारी एंजल वन लिमिटेड पे है। जैसे कि हम बात करें एंजल वन लिमिटेड में नियर अबाउट 2.75% की गिरावट, मतलब नियर अबाउट 3% की गिरावट देखने को मिली। गाइस, फिजल आउट हुआ है ये यहाँ से। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ट्रेंड हमें RSI पे देखे, हम देखे तो आप ट्रेंड ही था। गाइस, जब भी आपको पता है, जब भी हमारा RSI 70 के ऊपर के लेवल को क्रॉस करता है तो वहां से हमें सेलिंग ही देखने को मिलती है। और बार बार मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को ये बताया है गाइस, यहीं से सेलिंग आ गई है। अगेन, अगर रेड कैंडल बनती है तो नो डाउट उसके अंदर हमें हैवी सेलिंग देखने को मिल सकती है। और ये स्टॉक नियर अबाउट 1166 तक, मतलब 1160 तक जा सकते हैं। बट अगर यहीं से ग्रीन कैंडल अगर बनती है और इस कैंडल को भी क्लोज ऊपर ब्रेक कर देती है तो नो डाउट हमें ऊपर एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। और 1400 से ऊपर राउंड फिगर 1500 से जाता हुआ ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। पोजीशन है, इजिली होल्ड करके चले। देखिए, कभी भी मैं अपनी वीडियो पे किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन इन्फ्लुएंस नहीं करती हूँ। मैं आप लोगों को हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आप खुद से स्टडी करें, चेक करें, देन इन्वेस्ट करें। इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो RSI के अभी इसके अंदर हैवी सेलिंग आने वाली है। और अगर आपने पोजिशन बनाई हुई है, फ्यूचर के लिए पुट ले रखा है, तो काफी अच्छा प्रॉफिट भी होने वाला है। लेकिन अगर आपने बाय करके चला है तो गाइस, आप इसके अंदर शॉर्ट ऑफ करके चल सकते हैं एंड मतलब सेल करके चल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय गाइस, थैंक यू।